अस्सलाम वालेकुम। हमारी सीरीज चल रही है लर्न स्पेशल डेटाबेसेस विद पोस्टजेएस एंड क्यूजेएस, और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिस्टोर डेटाबेस बैकअप इन पोस्टग्रेस इन द फॉर्मेट ऑफ बैकअप, और हम उसको रिस्टोर कैसे कर सकते हैं और हम उसका जो बैकअप है वो कैसे ले सकते हैं। पोस्टग्रेस के अंदर हम डिफरेंट तरह से, जैसे हम शेव फाइल इम्पोर्ट कर सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू या फिर किसी अदर वे, डाटा जो है वो हम डिफरेंट वे में रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल वे में जाएंगे आज, जो पीजी एडमिन है उसको हम यूज करते हुए डेटाबेस जो है वो रिस्टोर करेंगे, बैकअप लेंगे। और थोड़ा सा आज हम जो डेटाबेस है वो देखेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर, हमने उसके ऊपर चूंकि काम करना है, स्पेशल डेटाबेस है हमारा, तो थोड़ा सा उसको रिफाइन करके देखेंगे कि हमारे डीबी के अंदर आज क्या पड़ा है, कितने टेबल हैं जो कि हम नेक्स्ट यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पीजी एडमिन आप ओपन कर लें, सर्च में जाके आप पीजी एडमिन लिखेंगे तो आपके पास ब्राउजर के अंदर पीजी एडमिन 4 वो आपके पास खुल के ब्राउजर में आ जाएगा। डीबी सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक डीबी क्रिएट करते हैं, डीबी अंडरस्कोर स्पेशल पंजाबी यूनिवर्सिटी है तो पीयू कर देते हैं हम, इसको कर देते हैं सेव। का जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है डेटाबेस के अंदर, हम इसके अंदर पोस्टजेएस की जो एक्सटेंशन है वो हम कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के लिए याद होगा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हम क्यूरी टूल में जाएंगे, क्यूरी टूल में जाके हम एक्सटेंशन की जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट करेंगे, वो क्या थी जी, क्रिएट एक्सटेंशन पोस्टजेएस, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा जो टेबल्स हैं पोस्टजेएस के फंक्शन और कॉलम के साथ वो यहाँ पे बन चुके हैं, रेफरेंस टेबल आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम का। डेटाबेस रिस्टोर कैसे करनी है, मेरे पास डीबी पड़ा है, हम उसको पहले रिस्टोर करके देखते हैं और एट द एंड हम देखेंगे कि हम बैकअप कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले डीबी उसको आप सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन विंडो आपको नजर आ जाएगी, आप बैकअप से नीचे रिस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास रिस्टोर विंडो खुल के सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप कस्टम अवतार जाने दें, ब्राउजर फाइल में जाएंगे और यहाँ पे बैकअप फाइल पड़ी हुई है, बैकअप फाइल एक नज़र हम देख लेते हैं किस तरह की होती है। मेरे पास पड़ी हुई है पीसी के अंदर, जीएसआईटी टूल्स के अंदर डाटा फॉर लेक्चर हमारे कोर्स का नेम और डीबी स्पेशल पीयू के नाम से ही पड़ी हुई है, तो इसी को हम रिस्टोर करने जा रहे हैं। तो ई के अंदर जीएसआईटी टूल्स डबल क्लिक करेंगे, डाटा फॉर लेक्चर हमारे कोर्स का नेम और उसके अंदर हमारे पास डीबी स्पेशल पीयू अंडरस्कोर बैकअप के नाम से, जी आपके पास जब भी बैकअप होगा पोस्टग्रेस का तो वो डॉट बैकअप के अंदर उसकी फाइल होगी, और आपको साइज यहाँ पे शो हो रहा है और मॉडिफाइड वो डेट नजर आ रही है। हम सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको रोल नेम पोस्टग्रेस दे देंगे, यानी कि आपका यूनिवर्सल आपका यूजर है वो इसको हम असाइन कर देंगे। तो रिस्टोर करेंगे तो यहाँ पे आपकी रिस्टोर क्रिएट हुई और उसको सक्सेसफुली कम्प्लीटेड किया है सर्वर ने। हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास कोई टेबल आए हैं कि नहीं, ये देखें हमारे पास 7 टेबल इस टाइम आ चुके हैं। इसके अंदर आपके पास स्पेशल रेफरेंस का जो हम पहले पोस्टजेएस के साथ हमने एग्जीक्यूशन की थी क्रिएट एक्सटेंशन की वो आ रही है, उसके बाद आपके पास एक टेबल है टेबल एसेट के नाम से, टेबल फर्स्ट स्टोरी, ये क्या है टेबल, इसको हम पोस्टग्रेस के अंदर ही खोल के देखते हैं, उसके अंदर विजुलाइज करके देखते हैं कि हमारे इसके पास क्या पड़ा हुआ हमारे टेबल के अंदर। एक्चुअली हमारे पास हॉस्टल का डेटा है और हॉस्टल में हमारे पास बाउंड्री है हॉस्टल की, और हॉस्टल की 3 स्टोरीज होती है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो वो फर्स्ट स्टोरी सेकंड थर्ड वो ये आ रही है हमारे पास, और 2 टेबल ट्रिब्यू डाटा है, एक अंदर टेबल एसेट के नाम से जिसमें चेयर्स ट्यूबलाइट एक्स्ट्रा जो होती है, और एक अंदर स्टूडेंट्स वो आपको मिलेंगे कि उन रूम्स के अंदर जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं, और हर कमरे का जो आईडी है या फिर जो उनका रेफरेंस कॉलम है वो स्टूडेंट के अंदर और एसेट के अंदर अवेलेबल होगा, वो हम देखते हैं नेक्स्ट। डाटाबेस रिस्टोर कर चुके हैं, अब हम इसको कॉन्फिगर करते हैं क्यूजीएस के अंदर और थोड़ा सा हम अपने डाटाबेस को देखते हैं कि डाटाबेस के अंदर क्या है, और एट द एंड दोबारा हम फिर इसको रिस्टोर देखेंगे कैसे होता है। तो QGIS खोलेंगे, QGIS के अंदर हम सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि हम कनेक्शन बनाते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्शन कैसे बनाएंगे ये भी पहले हम देख चुके हैं लेकिन दोबारा बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो नाम है डीबी का वही हम यहाँ पे सर्विस का नाम रख लेते हैं वहाँ पे, ताकि हमें याद रहे कि हमारा डीबी कौन सा है। कनेक्शन के अंदर हम नेम दे देते हैं वही जो डीबी का है, होस्ट जो है हमारा लोकल होस्ट है, पोर्ट हमारी है 5432, ये अपनी पोर्ट आप याद रखिएगा कि आपकी पोर्ट कौन सी है, तो आपने वही पोर्ट यहाँ पे देनी है, मेरे पास 3 है 5433। डेटाबेस जो कॉपी कर चुके हैं वो पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो हमने रोल असाइन किया था पोस्टग्रेस, और इसका पासवर्ड जो इंस्टॉल करते वक्त पोस्टग्रेस जो आपने दिया था वही यहाँ पे देंगे, और इसको आप टेस्ट कनेक्शन कर लें तो ऊपर हमारे पास मैसेज आ गया कि कनेक्शन टू स्पेसिफिक डीबी नेम वाज सक्सेसफुल। हम इसको स्टोर कर लेते हैं
स्टोर करने के बाद ओके करेंगे, हमारे पास एक मैसेज आएगा कार्ड स्टोर हो चुका है। ओके करेंगे और अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये वाला कनेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है डीबी स्पेशल पीयू के नाम से। और इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे सिर्फ वही टेबल नजर आएंगे जिसके अंदर ज्योमेट्री है। दूसरे एट्रीब्यूट टेबल देखने हैं तो हम डीबी मैनेजर के थ्रू यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो हॉस्टल की बाउंड्री है उसको हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फर्स्ट स्टोरी, सेकेंड स्टोरी और थर्ड स्टोरी। फर्स्ट हम जो है वो देखते हैं कि हॉस्टल बाउंड्री के अंदर क्या है। एट्रीब्यूट टेबल खोलेंगे हम तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है। जीआईडी आ रही है हमारे पास, यूनिक इसकी आईडी होती है, बिल्डिंग का नेम आ रहा है, उसके बाद डेशन जब डिजिटाइज किया गया वो वाली डेट आ रही है, और यूनिवर्सिटी नाम आ रहा है, ठीक है, लास्ट एडिटर का, और शेप का एरिया आ रहा है। तो मैं इसको कैटेगराइज करके इसको लेबल कर देता हूँ। सबसे पहले इसको कैटेगराइज कर देते हैं किस कॉलम से, लास्ट अपडेट और बिल्डिंग, बिल्डिंग के नाम से करते हैं क्लासीफाई, यस। तो इसको हम माइनस कर देते हैं, अप्लाई करते हैं तो, और इसको लेबल भी कर देते हैं इसी के नाम से ही। बिल्डिंग का कॉलम यूज़ करेंगे और बफर इसका लेबल थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। हमारे पास ये 8 के करीब हॉस्टल जो हैं वो आ चुके हैं। अच्छा, इसके नीचे अगर मैं इमेजरी डाल के देखूँ, ये शिफ्टेड तो होगा लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कि ये कहाँ पर लाइक कर रहा है, और इसको नीचे ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। ये हॉस्टल पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का एरिया है ये वाला, और ये हॉस्टल है यहाँ पे। इसको मैं बंद करूँ तो आपको ये नीचे ये हॉस्टल का एरिया नज़र आ रहा है। ये हॉस्टल है हमारे पास और थोड़े से शिफ्टेड हैं ये। चलें इसको बंद करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टोरी है, ठीक है, इन हॉस्टल की बाउंड्री के ऊपर फर्स्ट स्टोरी के अंदर क्या है वो भी हम कैटेगराइज करके देख लेते हैं। सिम्बोलॉजी कैटेगराइज और कॉलम इसमें यूज़ करेंगे डिस्क्रिप्ट का और क्लासीफाई, और इसको करते हैं अप्लाई और इसको लेबल भी कर देते हैं इसी के नाम से, डिस्क्रिप्ट और ओके। ये मैंने अप्लाई किया है तो ये आप देख सकते हैं कि जो इसके एट्रीब्यूट कॉलम के साथ ये लेबल हो चुका है। मैं इसको थोड़ा जूम इन करके देख लेते हैं कि फर्स्ट फ्लोर के हमारे पास क्या है। ये हमारे पास एक हॉस्टल देख लेते हैं क्योंकि एक हॉस्टल का एक ही डिज़ाइन है सबका, तो देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मेस रूम आपको ये नाम नज़र आ रहा है, टीवी रूम नज़र आ रहा है, किचन है साथ, और ये पाथ है, लॉन है, ये भी लॉन है, ये स्टूडेंट के रूम नज़र आ रहे हैं आपको, वार्डन का एरिया जो है उसका घर है वो नज़र आ रहा है आपको। तो ये आपको जो है डिजिटाइज और कैटेगराइज आपको हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर है वो नज़र आ रहा है। तो जल्दी से जो है हम इसका एट्रीब्यूट टेबल देखते हैं। एट्रीब्यूट टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको क्लास जो नेम है वो नज़र आ रहे हैं, आपको फ्लोर की नज़र आ रही है कि कौन से फ्लोर के ऊपर है बिल्डिंग, यानी कि कौन सा हॉस्टल है, और ये जो बिल्डिंग है यही लेट कर रही है हमारे एट्रीब्यूट कॉलम के साथ, तो इसी के बेस के ऊपर हम आईडी अपडेट करेंगे। फर्स्ट फ्लोर है, सेक्शन है और नाम क्या है, ये टॉयलेट वगैरह नाम आ गया, स्टूडेंट रूम है, ये हमने अभी लेबल कैटेगराइज हमने इस कॉलम की बेस पे किया था, नेक्स्ट हम क्यूरीज के ऊपर ही लगाएंगे। फ्लोर एरिया आ गया और आगे रूम वगैरह जो क्या है, और लास्ट एडिटर जो था यूनिवर्सिटी की तरफ से एडिट किया गया है। इसको बंद करते हैं जल्दी से, सेकेंड रूम देख लेते हैं, इसको हम कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज जो है वो डिस्क्रिप्ट का ही, बफर का ही, ये लेबल हो गया, सॉरी लेबल अप्लाई कर दिया, और इसके बाद सिम्बोलॉजी जो है कैटेगराइज कर देते हैं, क्लासीफाई, ओके, ठीक है। तो ये भी आप नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी स्टूडेंट रूम नज़र आ रहे हैं आपको, और साथ ये स्पोर्ट्स रूम एक इजाफी नज़र आ रहा है, और ये मास्क नज़र आ रही है आपको यहाँ पे। ये टॉयलेट इस साइड पे हैं तो ये थोड़ा सा इसकी विजुअलाइजेशन है। ये सेकंड फर्स्ट फ्लोर और सेकंड दोनों जो है वो मैंने इस टाइम चेक किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो है वो थर्ड फ्लोर को भी देख लेते हैं एक नज़र। ये भी सेकंड फ्लोर से मिलता जुलता फ्लोर है, हम इसको जल्दी से कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। कैटेगराइज करते हैं इसी के ऊपर, क्लासीफाई लेबल के ऊपर जाते हैं, लेबल भी इसी के ऊपर कर लेते हैं हम, इसको ओके करते हैं। तो थर्ड फ्लोर जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट रूम है, और यहाँ पाथ है मस्जिद के ऊपर, वो ये वाला एरिया जो खाली है, जबकि सेकंड पे हम यहाँ पे मास्क नज़र आ रही थी, और ये मार्क्स थी और रूम था स्पोर्ट्स रूम का। कुछ इस तरह का हमारे पास डाटा है, इसके ऊपर हम करेंगे, इसके बाद हमने पॉइंट डाटा भी इसमें ऐड करेंगे ड्यूरिंग जो हम लेक्चर है, तो हम इसका सेंट्रोइड निकाल लेंगे या फिर हम डिजिटाइज करके देख लेंगे। कुछ यहाँ पे ट्रीज वगैरह अगर हुए तो उनको हम डिजिटाइज करके एज ए पॉइंट लेयर भी यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद देख देते हैं एट्रीब्यूट टेबल हमारे पास क्या है।
तो एट्रीब्यूट टेबल देखते हैं जी। एट्रीब्यूट टेबल के लिए या तो हम यहीं पे जस्ट हमारे पास टीबीएल एसेट के एक एट्रीब्यूट टेबल है, इसमें ज्योमेट्री नहीं है और टीबीएल स्टूडेंट्स का। अच्छा, ये थोड़ी सी हायरार्की होती है कि जो डीबी है उसका नाम डीबी से रखा जाता है, पता चल जाए कि डीबी का नाम है, जब आप क्यूरी करते हैं तो आपको पता चल जाता है। तो इसलिए मैंने शुरू में यहाँ पे डीबी अंडरस्कोर डाल दिया था, और जब टेबल्स हैं इसके शुरू में टेबल्स डाल देते हैं टीबीएल, ताकि पता चल जाए कि आप जो कॉल कर रहे हैं वो टीबीएल के नाम से जो है आप कॉल करने लगे हैं। तो यहाँ पे भी हम एसेट पे क्लिक करके यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट जारी करके टीबीएल एसेट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एसेट के अंदर क्या है। आईडी है, हॉस्टल का नेम है, हॉस्टल का नेम जो आपके पास हॉस्टल टीबीएल हॉस्टल बाउंड्री उसके साथ ज्वाइन के लिए यूज करेंगे हम हॉस्टल का। बाद में हम आईडी भी लगा लेंगे। रूम है, रूम के नाम है जो किसी हायरार्की के साथ है कि आपका हॉस्टल का नेम है, और आगे 1-1 और डी वो आपको नजर आ रहा है। इसी तरह इस कमरे की ट्यूबलाइट्स कितनी है, बल्ब कितने हैं, चेयर कितने, टेबल, बेड एक्स्ट्रा जो है वो आपको नजर आ रहा है। स्टूडेंट का अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि किस कमरे में कौन सा स्टूडेंट रह रहा है, ठीक है। उसी तरह नेम है स्टूडेंट का, फादर नेम है, डिपार्टमेंट कौन सा है, और आईडी सबसे पहले डेफिनेटली, उसके बाद प्रोग्राम कौन सा है उसका, और हॉस्टल ये जो है आपका ज्वाइन लगाने के लिए टेबल है, टेबल को ज्वाइन लगाने के लिए हमारी की है इसके अंदर। तो ये हम की दोबारा अपडेट कर देंगे, बजाय कि हम करेक्टर वेरिंग जो है वेरिंग इसको यूज़ करें, हम हॉस्टल की जो आईडी है जीआईडी है वो भी यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो वो कोर्स का हमारे नेक्स्ट पार्ट उसका हिस्सा है। क्लास आ गई हमारी और रूम का फिर वो नेम आ गया। तो इसको आप क्यूजीएस के अंदर भी डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ नाम इसका, और यहाँ पर मैं देखना चाहूँ क्यूजीएस के अंदर, यहाँ पे जाके देख तो हम चुके हैं, लेकिन मैं ज़रा अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, डीबी सेलेक्ट करेंगे हम जी, हमारी डीबी है ये वाली, और यहाँ पे हमारे पास टीबीएल स्टूडेंट्स हैं, ये आ रहा है। क्यूरी विंडो में जाएंगे और यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स, और क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास वही टेबल आ गया। इसको लोड कर लें आप। लोड करने के बाद चूंकि इसमें हमारे पास ज्योमेट्री नहीं है, कॉलम इसको ख़त्म कर देंगे, और आईडी जो है हमारा ये कॉलम यूनिक वैल्यू है, इसका आप नाम रख लें, क्योंकि ये लोड होगी हमारे क्यूजीएस के अंदर, नहीं रखना चाहते तो वही जो आपका क्यूरी लेयर के नाम से हो जाएगा। लोड करेंगे और हम देखते हैं इसको यहाँ पे, इसको बंद करें तो ये हमारे पास क्यूरी लेयर है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी डिटेल आ जाएगी, अदरवाइज आप इसको राइट क्लिक करके एट्रीब्यूट के अंदर खोल के देख सकते हैं। तो ये वही कॉलम है जो आप भी हम वहाँ पे देख चुके हैं। अच्छा, अगर यहाँ से आप एट्रीब्यूट टेबल, आप एट्रीब्यूट अगर आपके पास हैं एक्सेल है तो उसको अगर आप डीबी में लेके जाना चाहें तो वो भी यही तरीका है जो हम शेफाइल जिस तरीके से लेके गए थे, कि हमने शेफाइल मैंने आपको बता दी थी लेकिन एट्रीब्यूट डाटा नहीं बताया था कि कैसे लोड करते हैं। तो आप कोई भी एक्सेल जो है वो आप यहाँ से फाइल में जाके लोड कर लें, डीबी मैनेजर में जाके जब आप इम्पोर्ट फाइल करेंगे तो यहाँ पर वो जो फाइल एक्सेल है उसको आप सिलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद उसको टेबल का नाम दे दें, क्योंकि वो एट्रीब्यूट फाइल होगी तो उसमें सिर्फ जीआईडी आ रही होगी, जो हम आपके पास डिसेबल होगा ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें डिसेबल होगी, जस्ट आपके पास कन्वर्ट फाइल फील्ड नेम टू लोअर केस सिर्फ ये एक्टिव होगा आपके पास, वही तरीका जो हमारे पास शे फाइल का। हमने देख लिया, उसके बाद ये भी आपको समझ आ गई होगी कि जो हम डीबी जिसके ऊपर नेक्स्ट हम काम करने जा रहे हैं वो उसमें क्या है, और उसके हम डिफरेंट क्यूरीज जो हैं लगाने वाले हैं नेक्स्ट कोर्स के अंदर जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं। असल जो हमारा लेक्चर्स हैं, हमारा कोर्स है अब शुरू होने वाला है। पहले तो सिर्फ तारफ था बिगिनर्स के लिए कि कैसे आप डीबी को हैंडल कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल्स। हमारा फाइनली रह गया कि हम उसको डंप कैसे कर सकते हैं कुछ भी डीबी को, तो वो हम देख लेते हैं। डीबी मैनेजर में जाते हैं हम पीजी एडमिन 4 के अंदर, और यहाँ सिंपल तरीका है आपका जो बैकअप लेने का है, आप जो नाम जिस नाम से बैकअप लेना चाहते हैं वो कॉपी कर लें या बाद में लिख लें, मैं कॉपी कर लेता हूं। तो यहां से आप राइट क्लिक करेंगे जो डीबी का आपने बैकअप लेना है, पहले हमने रीस्टोर किया था, अब जस्ट हम बैकअप लेंगे, और कहां पे आपने स्टोर करना है वो आप सेलेक्ट कर लें जगह। मसलन मैं ई के अंदर जाके डाटा के अंदर जो है वो इसको रीस्टोर करना चाहता हूं, और यहां पे मैं उसको पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर मैं बैकअप जो है वो दे देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं डॉट बैकअप का ई लिख देता हूँ। आपका ई डाटा और इस नाम से आपकी डीबी और डॉट बैकअप, तो क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद कस्टम कर लें, या थार बेस्ट है ये फॉर्मेट है इसको कर लें। इनकोडिंग सेट करना चाहते हैं तो कर लें, रोल देना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप रोल जो है पोस्टग्रेस दे दें, क्योंकि आप जहां भी इसको रिस्टोर करेंगे तो वहां पे पोस्टग्रेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका रोल नेम जो अवेलेबल होता है। बैकअप करेंगे, ठीक है, बैकअप क्रिएटेड सक्सेसफुली कम्प्लीट हो गई हमारा बैकअप। और अगर हम इसको डाटा के अंदर जाके देखें, ई डाटा के अंदर, तो यहाँ पे मेरे बाकी बैकअप भी पड़े थे, तो ये हमारे पास सबसे ऊपर टॉप के ऊपर बैकअप जो है वो बन गया है। हमने रिस्टोर किया, बैकअप भी बनाया, और हमने देखा कि हमारे डाटाबेस के अंदर क्या क्या टेबल्स थे जिसके ऊपर हमने काम करना। तो हमारे तो वीडियो पसंद आई है तो लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को भी आप पुश कर लें ताकि आपको नई जो वीडियो आती है वो आपको मिलती रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मुझे इजाज़त।